नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन सर्कुलर से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ऑफिशियल आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है, और ऑफिशियल आदेश जारी होने में जो डिले हो रहा है उससे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब स्कूल आवंटन के सर्कुलर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, फिर भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक ऑफिशियल आदेश देखने को नहीं मिला है। 6 जून को चुनाव आचार संहिता भी समाप्त कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। अब किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है स्कूल आवंटन के सर्कुलर में, और स्कूल आवंटन का सर्कुलर जल्द से जल्द जारी हो इसके लिए लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। सचिव सर से आज मुलाकात की गई और स्कूल आवंटन के लिए सर्कुलर जारी करने का निवेदन किया गया। वहां से कुछ सकारात्मक और अच्छी खबरें आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ स्कूल आवंटन का सर्कुलर किस दिन जारी होगा उसकी कंफर्म डेट जानने के लिए सीतापुर में बीएसए से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। वहां से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या दोस्तों अब कल यानी सैटरडे की डेट में सर्कुलर आ सकता है या अगले सप्ताह का इंतजार हम सभी लोगों का बढ़ेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आप सभी साथियों को सचेत करना चाहेंगे कि जितने भी चयनित भाई बहन हैं, दोस्तों अब एक बार फिर समय आ गया है कि आप अपने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर के हर वो अभ्यर्थी जो चयनित है, जिसके हाथ में नियुक्ति पत्र है, अपने स्तर से प्रयास शुरू कर दे, जिससे जल्द से जल्द आप सभी के स्कूल आवंटन का ऑफिशियल आदेश जारी हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्कूल खुलने से पहले आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के साथ साथ स्कूलों में ज्वाइनिंग कराने संबंधी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा सके और आपका विद्यालय आपको मिल जाए और आप अध्यापन का कार्य शुरू कर सकें। तो ये चीजें जल्द से जल्द हों इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा, और इसके साथ साथ वो सभी टीमें जो 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के नाम पर बनी हुई थी, जहां पर अभ्यर्थियों से एक मोटी रकम आर्थिक सहयोग के रूप में प्राप्त की गई थी, अब आप सभी को फिर से एक बार एक्टिव होना होगा। जितनी भी टीमें हैं, चाहे जो भी टीम हो, सभी को आगे आकर के पैरवी करनी होगी, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बने और जल्द से जल्द आप सभी का स्कूल आवंटन हो और आप सभी के विद्यालय आप सभी को मिल जाए और आप अध्यापक के रूप में वहां पर स्थापित हो जाए। जो अभ्यर्थी जिस भी टीम से जुड़े हुए हैं, अपने अपने टीम के अगुवाकारों से निवेदन करें, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अब सभी अभ्यर्थी दबाव बनाएं अपने टीमों पर कि बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात करें और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कराने का प्रयास करें। दोस्तों, लगातार प्रयास जब आप करेंगे तभी विभाग जो है जल्द से जल्द ये कार्रवाई शुरू करेगा, अन्यथा आप सभी लोग जानते हैं विभाग की तरफ से हमेशा जल्द का आश्वासन दिया जाता है, और इसी आश्वासन के कारण आज हम लोग 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं स्कूल आवंटन का, और मोस्टली 1 महीना तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आए हुए भी हो चुका है और अभी तक ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आई है। केवल और केवल एक प्रोसेस कंप्लीट किया गया है, वो है मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करना। डाटा अपडेट हो चुका है, विभाग के पास सारी जानकारियां कंप्लीटली आ चुकी हैं, अब आपका प्रोसेस डन करना है और एक ऑफिशियल विज्ञप्ति निकालते हुए कोई भी डिले बिना किए आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आप सभी लोग प्रयास कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आज जो सचिव सर से मुलाकातें हुई हैं उनके क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है, सचिव सर के द्वारा क्या बड़ी कार्रवाई संपन्न की गई स्कूल आवंटन को लेकर के, डायरेक्ट बातों को डिस्कस करते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन जल्द से जल्द हो इसके लिए आपके ही संघर्ष के साथ ही रहे अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से लगातार सचिव सर से मुलाकात कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर के निवेदन और प्रयास किया जा रहा है। कल उनकी तरफ से सचिव सर से मुलाकात करने का प्रयास किया गया, लेकिन सचिव सर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी
के मीटिंग में थे और इसलिए कल उनकी मुलाकात सचिव सर से नहीं हो पाई थी। आज उन्होंने सचिव सर से मुलाकात की है और अपनी पूरी बातों को सचिव सर के सामने रखा है और सारी समस्याएं जो 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उनसे अवगत भी कराया गया है सचिव सर को। आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 अवशेष बचे हुए चयनित शिक्षक साथियों को एक सुखद और खुशी का विषय है, यह है कि हम सभी का विद्यालय जल्द ही आवंटित होगा। माननीय बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हम सभी के अभिभावक श्रीमान सुरेंद्र कुमार तिवारी सर ने हमें बताया है कि शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। दोस्तों सचिव सर की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है स्कूल आवंटन के लिए, जो ऑफिशियली उनके जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए, और जल्द से जल्द आप सभी अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन होगा। लेकिन दोस्तों ये जल्द कहने का तात्पर्य यह है कि जो 7 और 8 की डेट में हम सभी लोग स्कूल आवंटन के आदेश का इंतजार कर रहे थे, वो फिलहाल आप सभी का अब इंतजार अगले सप्ताह की ओर मूव ऑन हो चुका है, क्योंकि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि शासन इस समय एक्टिव मोड में है, लेकिन वहां से अनुमति मिलने में आपको बता दें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में सचिव सर की तरफ से बड़ी कार्रवाई संपन्न कर दी गई है और स्कूल आवंटन की ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करने को लेकर के शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जहां से अनुमति मिलते ही आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो ये हुई सचिव सर से मुलाकात की अपडेट और सचिव सर की तरफ से जो कार्रवाई संपन्न की गई स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन की कंफर्म डेट को लेकर के सीतापुर बेसे से मुलाकात की क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित सभी साथी जो हमारे हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं केवल सरकार और विभाग के भरोसे हैं कि जब स्कूल आवंटन की ऑफिशियल विज्ञप्ति या सर्कुलर आएगा तब हम सभी लोग स्कूल आवंटन कराएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से अपने स्तर से प्रयास किया जा रहा है और उसी प्रयासों के क्रम में चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से आगे बढ़ाई भी जा रही है और सकारात्मक रूप से आगे निकलकर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अब आप सभी के स्कूल आवंटन की जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आज की मुलाकातों के बाद जो निकलकर सामने आ रही वो ये है कि जो सोशल मीडिया पे चल रही है उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अगला सप्ताह जो सोमवार से शुरू होगा उसमें आप सभी के स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। और जो नेक्स्ट वीक है यानी सोमवार से 10 तारीख से जो सप्ताह शुरू होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सप्ताह में आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी और विद्यालय ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी कंप्लीट की जानी है। तो कुल मिलाकर के सीतापुर बी से मुलाकात से ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 10 जून से पहले जो स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति को लेकर के संभावनाएं थी वो फिलहाल नहीं है, क्योंकि शासन से अभी अनुमति नहीं मिली और शासन को पत्र लिखा गया है और शासन से अनुमति मिलते ही स्कूल आवंटन की ऑफिशियल विज्ञप्ति आ जाएगी। इसमें विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का अब कोई डिले नहीं किया जाएगा। तो सीतापुर बीएसए से मुलाकात करने वाले साथियों की तरफ से जो कंफर्म डेट है वो क्या निकलकर सामने आ रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित साथी हैं जिन्होंने सीतापुर में काउंसलिंग कराई है और इन साथियों की तरफ से आज सीतापुर बीएसए पर संपर्क कर स्कूल आवंटन के सर्कुलर की डेट जानने का प्रयास किया गया और वहां से जो बीएसए सर की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आई है वो दोस्तों यहाँ पर नीचे शेयर की गई है कि अभी विद्यालय आवंटन की कोई सूचना नहीं है, आदेश होगा जैसा आदेश होगा वैसा आगे बताया जाएगा, संभवतया 10 के बाद ही स्कूल आवंटन के सर्कुलर आने की उम्मीद है। सीतापुर के चयनित अभ्यर्थियों ने सीतापुर बीएसए सर से मुलाकात के बाद ये जानकारी डिस्कस करी है। तो कुल मिलाकर के वो चीजें बिल्कुल अब स्पष्ट होती नजर आ रही हैं और इस मामले में आप सभी को बता दें बीएसए लोगों को जानकारी तभी होगी जब सचिव सर की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी हो जाएगा, तभी वो कुछ बता पाएंगे स्कूल आवंटन की डेट के बारे में। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अब अगला सप्ताह आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और 10 जून के बाद ही स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति का इंतजार किया जाए। ये भर्ती अब आप सभी को बता दें अपने अंतिम चरण में है, अब ज्यादा समय इसमें नष्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे चयनित भाई बहन बहुत परेशान है और उनके मन में लगातार भर्ती को फंसाने संबंधी डर बैठे हुए हैं। तो आप सभी को अवगत करा दें भर्ती फंसाने संबंधी अब कोई भी चाल अचयनितों की या विरोधियों की कामयाब नहीं होगी, अब केवल और केवल आप सभी का स्कूल आवंटन और विद्यालय में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ही कंप्लीट की जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, और ये प्रक्रिया विद्यालय खुलने से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के
चीजें बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं, सचिव सर ने कार्रवाई संपन्न कर दी है और उम्मीद है कि जिस तरीके से चुनाव बाद योगी जी एक्शन मोड में है तो जल्द ही जो है शासन स्तर से अनुमति मिल जाएगी और आज या कल की डेट में ही अनुमति मिल जाएगी और अगले सप्ताह में स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति आ जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे के लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।